अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का भला। आज बना रहे हैं हम मटर और कीमा। पहले हमने ये रख लिया जी, मटर रख लिए, फिर कीमा रख लिया, फिर हमने रख ली टमाटर, प्याज, और ये है हमारे साथ ये जी लहसुन। फिर जी हमने डाल दिया, फिर जी उसमें प्याज डाले। आज हमारा दिल कर रहा था कि हम बनाएं अच्छा सा खाना, तो काफ़ी दिन ईद से 3 4 दिन मैंने कुछ बनाया ही नहीं था। मैंने कहा चलो खाना बना लेते हैं, तो ये कोई सब्जी हो को आराम से जो हम खा सकें, हमें पसंद आई, फिर हमने कहा चलो हम बना लेते हैं। और ये हमने बनाई कीमा, मटर। आज हमारा बहुत दिल कर रहा था, ये भी कह रहे थे तुमने खाना नहीं अच्छा बनाया, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, चलो अच्छा सा खाना बना लेते हैं ये जी। फिर हमने बर्तन भी पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा घर में, आपको पता है कि साथ साथ मैं ही हूँ धोने वाली, साथ साथ मैं कहती हूँ बर्तन भी धो दूँ, किचन भी मेरा साफ हो, और गंदा किचन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लग गया नहीं, किचन गंदा हो तो मुझे पसंद नहीं। फिर हमने इसमें प्याज डाले, फिर टमाटर डाले, मिलजुल कर इंसान कर लेता है, अकेला बंदा हो तो उसके लिए बड़ा मसला होता है, उसने ही सारे काम करने हैं, हाथ भी थक जाते हैं, बारी चीज़ें मुझसे उठाई नहीं जाती, बारी चीज़ें जो हैं वो उठाई नहीं जाती मुझसे। बारी चीज़ें मुझसे उठाई नहीं जाती, हाथ थक जाते हैं, ना देखा उठाया जाता है, बड़ी मुश्किल से खाना बनता है। तो ये फिर मैंने डाले, हमने डाले मटर, लड़कियाँ ये बहू मेरी आ जाती हैं वो खाना बना जाती हैं, या फिर कभी वो अवेलेबल ना हो तो मैं खुद बना लेती हूँ, मिलजुल कर खा लेते हैं। कभी वो जाहिर है उनका भी फैमिली है, बच्चे हैं, स्कूल उन्हें जाना होता है, स्कूल छोड़ के आना, फिर बच्चों की स्टडी करवाना, फिर जाहिर है उनके अपने मसले मसाइल होते हैं। जब स्कूल में जाने लग जाएं बच्चे तो पता कहता है कि चलो चलो बैठो जा, ये क्या कर रही दादा, देखो ना यह मेरा पोता आया हुआ है तो ये अब डिस्टर्ब हो रहा है, ये कह रहा है मुझे लगा के दो कार्टून। मैंने कहा ये थोड़ी बना ले, हम वीडियो पड़ी हुई थी, क्लिप पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो उनको जोड़ के वीडियो बना लेते हैं। तो ये मेहंदी भी मेरे बहू ने लगाई है, तो पिछले दिनों तो हम लोग ये खाने ये मेहमान बने हुए थे, बड़े मज़े मज़े के खाने खाते थे, बने बनाए खाने आ जाते थे, तो दादू बना रही है ये मेरे बगैर रहता नहीं है, ये घर भी खुश नहीं रहता, ये कहता है कि मैंने दादू के पास जाना है, ये आया हुआ है सारी रात, ये बस जागता रहता है और दिन को सो जाता है, अभी जो उठाया अभी इसने नाश्ता भी नहीं किया। और ये जो है छोटा सा बुलू है, बुलू बैठ जाना थोड़ी देर, मैं बना लूँ ना ये वीडियो अपलोड कर दूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ, फिर कार्टून लगा के दूंगी, कार्टून ज़्यादा नहीं देखते। फिर कल हम गए थे ना पार्क में, इसको पार लेके गई, फिर मैं ये घूमता रहा उधर खेलता रहा, फिर खुश रहा ना, बच्चों को टाइम देना पड़ता है,
बच्चों को टाइम ना दिए, नाराज हो जाते हैं, है ना, नाराज हो जाता है दादा से। अभी मैंने खिड़की के पास रखा हुआ है और इसको उठाया हुआ है और ये देख रहा है, दादो क्या बना रही है, दादो क्या बना रही है। अब इसमें आलू डाल दिए हमने, आलू मटर, आलू कीमा और मटर जो है इनकी दादा को पसंद है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। फिर इसके बाद ये देखें, वो क्या है, गाड़ी जा रही है ना, गाड़ी जा रही है बेटा भाई, गाड़ी जा रही है। गाड़ी आपको अच्छी लगती है? ये काफी दिनों से पड़ी हुई थी ना वीडियो, तो मैंने कहा अपलोड कर दूँ ना। इधर बैठ जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, वो गाड़ियाँ देख, चल गाड़ियाँ देख, या देख, खड़ा हो जा, 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 गाड़ियाँ देख, चल पकड़ पकड़ना, खड़ा हो जा, ऐसे खड़ा हो जा, गाड़ियाँ दे, दादू को अपलोड करने देना वीडियो, फिर मैं आपको लगा के देती हूँ। मेरे साथ खुश रहता है, मैं भी इसके साथ खुश रहती हूँ। बातें करता रहता है मेरे साथ, खेलता रहता है। अब इसमें नमक मिर्च डाल दिया हमने। हाँ, तो वो मैंने फिर साग बना लिया, साग वो पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, तो उसको बॉईल करके मैंने काट के, धो के अच्छी तरह काट के मैंने फ्रिज में फ्रीज कर दिया था। तो मैंने कहा चलो ये साग बना लेते हैं, लेकिन वो जल्दी में बनाया था तो वो सही नहीं बना। तो फिर इसके बाद ऐसे मैंने पहले ऐसे का बना दिया, फिर इसके बाद दोबारा मैंने उसमें अदरक डाली, अदरक डाल के, लहसुन ज़्यादा सर, लहसुन नहीं था घर में, फिर इसको काट के, इसको पीस के अच्छी तरह डाला, फिर दोबारा तड़का लगाया, फिर मुर्गी डाली उसमें, ये मुर्गी लाए थे, तो वो मज़े के बन गए, फिर जायका और उसका अच्छा हो गया। तो हमने कहा चलो भाई साग खा लेते हैं, साग भी हम लोग देहाती लोग हैं, हमें साग जो है ना अच्छा लगता है। पहले इधर होता था बाहर काच माच का साग ना, तो मैं ले आती थी, अब देखा है ही कोई नहीं। अब आया ही कोई नहीं, तो इधर इंग्लैंड पे भी बड़ा साग होता है, लेकिन आजकल आया ही कोई नहीं। लग रही है मैंने कूट लिया था, फिर ये सौदा ले घर का, ये सब्जियां मैंने कल ले आओ, सब्जियां नहीं है, और कलवंजी मैंने कल ले आओ, फिर ये ब्रेकफास्ट की चीज़ें थी, ये आइसक्रीम बच्चों के लिए लाए हैं, अंडे लाए हैं, ये जी है बंद वगैरह ना, ब्रेकफास्ट सुबह ये खाते हैं नाश्ते में, फिर फ्रूट पी ले आए, फिर ये जी ये दूसरे दिन का क्लिप है, फिर इसमें इन्होंने वो बना ली जर्दा, ये विंग्स बनाए हैं इन्होंने, और ये विंग्स लाए थे, और उनको इन्होंने नमक मिर्च और नींबू और हर चीज़ लगा के रख दी थी, काफ़ी देर पड़ी रही, फिर ओवन में बना लिया, बल्कि थोड़ी सी आग भी ला दी थी, और बड़ा मसला होता है, मैं इसलिए ऑन ही नहीं करती इसको, ऐसे ही बना लेती हूँ। जर बड़े बड़े मज़े का जर्दा बना था, आज घर थे, अब फ्राइडे था, तो इन्हें कहा चलो मैं बना लेता हूँ। कलाइयों में दर्द होता है, बारी बारी चीज़ें, ये चमचे ये बारी बारी उठाए नहीं जाते मुझसे, इसलिए ये मेरे मियाँ थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, कहते हैं चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दें, मैंने कहा ठीक है करवा दें, सो बिस्मिल्लाह आ जाए, ये कुकिंग कर लेते हैं। वैसे भी रहे हैं 20 साल अकेले इधर इंग्लैंड में, तो
तो ये कुकिंग कर लेते हैं, अच्छी कर लेते हैं। ओवन में उन्होंने विंग्स बना लिए थे। हाँ फिर ये बर्तन कट्ठे हो गए, क्या करें, ना ना कर दो, बर्तन धोने पड़ते हैं, हाथों में दर्द होता होता अरे पानी जैसे गर्म होता है, हार्ट होता है हमारा, हर वक्त पानी गर्म आता रहता है तो आराम से धुल जाते हैं बर्तन। बर्तनों का रौला, बर्तन में साल साल में धो देती हूँ, इकट्ठा नहीं होने देती, साल साल धो देती हूँ जी। क्या है, क्या है? बस अच्छा, खड़ा होके थंग आ गया तू तो। क्या हुआ, क्या हुआ, चला अच्छा चला चल तुझे मैं बना देती, नहीं खड़ा हूं भाई, ठहर जा ठहर, मैं तुझे लगा देती, आवाज बंद करके ये देख, चल ये देख, चल ये देख। अभी जाएंगे, बाहर जाएंगे ना, ताया ताया ताया, बस ताया को याद किए जा रहा है, ताया ताया लग गया, ताया ताया ताई बाहर जाना। जैसे कजन को याद करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, कजन पास जाना। कभी लग जाती है ना कभी, ये तूने खिड़की बंद कर दी है ना, खिड़की खोल, हवा आए, फिर जी हम गए लेके इधर, छोटी सी मैं इधर चली गई वॉक करने गई थी, तो यहाँ पे ये लोग गोरे हैं, ये लेक घर के करीब ही है, मैं अक्सर जाती रहती है, इसमें फिश होती है, लोग फिश पकड़ने आते हैं, गोरे मजे से घूम रहे हैं। खुश हो रहे, कौन है ये, क्या ये क्या, छोटी काकी है ना, काकी खेल रहे, वो उधर लगे हुए थे, हर जगह पे सेब लगे हुए हैं, जब बड़े होंगे थोड़े से बड़े होंगे मैं ले आऊंगी, ये अच्छे ये अच्छे होते हैं सेहत के लिए अच्छे होते। क्या हो गया, बस 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 ये देखिए कितने मजे के सेब लगे हुए हैं, सेब लगे हुए हैं जी 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 मजे मजे में सेब है, बस जी जाते हैं काट के खा ले, लेकिन अभी थोड़े होंगे ना, थोड़े बड़े होंगे तो फिर ही इनका जायका भी होगा, और ये शुगर के लिए अच्छे हैं, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ले आऊंगी। फिर रास्ते में पड़ता है ये मार्ट, क्या हुआ, बस 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 बस।
ये अपना सांस ला रहे, खुश हो रहे ना। ये फिर ये कौन है? ये चला गया था उधर, इसको पार्क लेके गई थी। ये घर के करीब ही है पार्क, हर मोहल्ले का अपना अपना पार्क होता है, जहाँ पे बच्चे आराम से वहाँ खेलते रहते हैं। ये लोग आए, कुर्दिश लोग हैं, ये लोग खाने लेके मेरे चल